स्वर्गीय बादल साहब की इस श्रद्धांजलि सभा में हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से स्वर्गीय बादल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। बादल साहब के जीवन से हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक जीवन में जो व्यक्ति काम करता है उसकी कितनी कमाई है ये उसके जाने के बाद पता पड़ता है। बादल साहब ने 70 साल तक राजनीति करी और अपने सिद्धांतों पर, अपनी विचारधारा पर वो अडिग रहे, लेकिन उनके जीवन में जिस विनम्रता से, जिस शालीनता से, जिस प्यार भाव से उन्होंने राजनीति को अंजाम दिया वो हम सब लोगों के लिए सीखने की बात है। पंजाब सूबे में पिछले 20 साल से जब भी मैं यहां पर राजनीतिक प्रचार करने आया, अपनी पार्टी की बात रखने आया, बादल साहब कई बार सत्ता में रहे, कई बार विपक्ष में रहे, लेकिन ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी विरासत है कि राजनीति में विरोध करते हुए भी हम मन में कड़वराहट ना रखें, द्वेष की भावना ना रखें। सैद्धांतिक विरोध हो, वैचारिक विरोध हो, राजनीतिक विरोध हो, लेकिन फिर भी बादल साहब का मुझे याद है, मैंने बचपन से देखा है, सरदार साहब और काका जी, ये दो शब्द वो बोला करते थे और अपने विरोधियों को भी। आज ये मौका उनके पास नहीं है उनके जाने के बाद कि मन में कोई उनके खिलाफ कोई नकारात्मक सुझाव आए। बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने देश और प्रदेश की सियासत में योगदान दिया है और जिस अपार संख्या में आज यहाँ हम सब लोग आए हैं वो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने राजनीति में नए मापदंडों का संयोजन किया है। बादल साहब का व्यक्तित्व बहुत विराट था, बहुत मधुरभाषी थे और जैसा मैंने पहले कहा, वैचारिक विरोध होने के बावजूद भी एक अपनेपन और एक आत्मीयता का संबंध उन्होंने हमेशा बनाकर रखा। आज उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ी क्षति प्रदेश को हुई है, देश को हुई है, राजनीति को हुई है। मैं एक बार फिर बहुत विनम्रतापूर्वक उनकी याद में अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में शरण देगा और हम सब पर वाहेगुरु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन ते पवित्र हजूरी च विराजमान गुरु प्यारी सात संगत फतेह प्रवान करनी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसे कवि ने लिखा है, अब चैन से रहें दुनिया में जमाने वाले, सो गए कब के लोगों को जगाने वाले, कहने को तो लाखों हैं पर कितने हैं जुल्म के आगे सर कभी ना झुकाने वाले। लखां लोग रोज इस दुनिया ते आंदे है ते लखां लोग रोज इस दुनिया तो चले जांदे है, लोग आंदे है ते लोग चले जांदे है, पर इतिहास दे विच कुछ ऐसे लोग भी हुंदे है जेड़े आंदे तो जरूर है पर फिर अपनी सोच, अपना किरदार, अपना अखलाक, अपनी खिदमत करके आंदे तो जरूर है फिर जांदे नहीं, अमर हो जांदे है। बादल साहब की शख्सियत उन्हां विच शामिल हुंदी है जेड़े अमर हो जाणगे। प्रकाश सिंह बादल साहब हिंदू, सिख, मुस्लिम ते क्रिश्चन भाईचारे वास्ते, आपसी भाईचारे वास्ते डट जाण दा नां है। प्रकाश सिंह बादल किसान दे हक्कां लई लड़ जाण दा नां है। प्रकाश सिंह बादल गरीब दे मुफाद लई खड़ जाण दा नां है। प्रकाश सिंह बादल
वतन नाल वफा करन जान दा नां है। प्रकाश सिंह बादल इंसानियत नूं जिंदा कर जान दा नां है। और पंजाब दियां आउण वालियां नस्लां हमेशा बादल साहब दियां एहसानमंद रहणगियां। मेरे सामने बैठे लोग इस गल की तस्दीक कर देंगे, साढ़े इन्हां पिंडां दे विच एक भी पिंड दे विच सड़क नहीं हुंदी सी, एक भी पिंड दे विच बिजली नहीं हुंदी सी, एक भी पिंड दे विच पीण वाले पानी का इंतजाम नहीं हुंदा सी, एक भी पिंड दे विच हस्पताल नहीं हुंदा सी, नहरां दा निजाम बड़ा खस्ता सी। और जो कुछ पिछले 50 सालां च बादल साहब ने किया, रब्बा तेरा शुक्रिया कि पंजाब नू ऐसा मोहसन, ऐसा लीडर, ऐसा दोस्त और ऐसा बाप अता फरमाया। परमात्मा का शुक्र करते हैं। मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, MLA गवर्नर बनते हैं, लीडर तो पैदा ही होते हैं, हालात पैदा कर देंगे, गुलामी पैदा कर देती है, गरीबी पैदा कर देती है। बादल साहब वर्गे लीडर रोज़ रोज़ नहीं आने। आज सारी संगत असी कट्ठे होए हैं परमात्मा दे हजूरी दे विच, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी दे विच, कि रब्बा इस नेक नीयत इंसान दी नेकी नू, गरीब की मुहब्बत नू, ते वतन की वफा दा इस नेक नीयत इंसान नू सिला जरूर देना है। बादल साहब की जो वतन नाल मुहब्बत सी उसका इतराफ भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ट्रिब्यून दे जिहड़ा मजबून उन्होंने इस गल का इतराफ किया कि बादल साहब ने अपनी हुकूमत की कुरबानी तो देती पर देश का नुकसान नहीं होने दिता। सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब के अज भोग ते अज दर्जना लीडर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों तो हाजिर होए सी। बादल साहब का उन्हां नाल जो तल्लुकात सी, उहदा मकसद ते उहदा जिहड़ा मुद्दा सी वह सिर्फ एक सी कि पंजाब नू एक आला मुकाम ते बादल साहब देखना चाहुंदे सी। पंजाबी सारे हिंदुस्तान दे विच सिर उठा के चल सके, बादल साहब पंजाब नू उत्थे देखना चाहुंदे सी ते पंजाब नू विद्या दे जेवर नाल आराफ्ता कर सकीए, तालीम दे जेवर नाल आराफ्ता कर सकीए, बादल साहब दा ये मकसद सी। बादल साहब नू परमात्मा ने बेपनाह खूबियां दत्तियां, सियासी बसीरत दत्ती, पर सब तो वड्डी गल जिहड़ी रब ने बादल साहब नू दत्ती, बहुत वड्डा दिल दिता, बहुत वड्डा जिगरा दिता। और वतन की बेहतरी लई बादल साहब ने हर रुसे हुए दोस्त नू मनाया, हर रूठे हुए दोस्त को बादल साहब ने मनाया। मेरे भी जदों बादल साहब नाल कोई सियासी इख्तलाफात हो गए सी, बादल साहब का बड़प्पन सी कि बादल साहब ने मैनू अपने गले ना लगाया। मैं वैसे तो मैनू पता है कि ये कानून दे जिहड़ा कुदरत दा कानून है, कुदरत दे कानून दे ये उल्ट है, पर मैं अज मजबूर हो के मैं रब नू ते बादल साहब नू कहना चाहुंदा है कि आ जा चमन दिया मालिया बूटे उदास ने, आ जा चमन दिया मालिया बूटे उदास ने, जिस दिन दा टुर गया नाल ही टुर गई हैं कुल बहारा, तेरे हिजर विच फुल ते कलियां रोंदियां, जिधर लंघदा सी सोहणिया वो गलियां पईयां रोंदियां। अज पंजाब दे जिहड़े खेत ते बाग जिन्हां नूं बादल साहब ने मुफ्त बिजली दित्ती, ते दुनिया च गल ते मिसाल किते नहीं सुनी सी पर बड़ी मुश्किल नाल बादल साहब ने दित्ती, अज ओह खेत ते बागात भी बादल साहब अपने मेहरबान की याद के अक्षबार है। पंजाब की जनता ने बादल साहब नू 20 साल
कमोपेश हुकूमत का मौका दिता और इस 20 साल के बादल साहब ने 120 साल के काम किए और जिहड़ी पगड़ी पंजाब के लोगों ने बादल साहब के सिर पर सजाई सी, बादल साहब ने अपने खून पसीने नाल अपनी अनथक मेहनत नाल उस पगड़ी की लाज रखी। तो अज इस मौके पर मैं मेरा ये खुशनुमा एक छोटा जा फर्ज है कि बादल साहब के अखीरले वेले जेड़े लोगों ने बादल साहब की सेवा की, डॉक्टर के तलवार साहब, डॉक्टर दिगंबर बहरा जी, डॉक्टर मंडल साहब, फोर्टिस हस्पताल दिया तमाम नर्सा तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, बादल साहब का जेड़ा परसनल सिक्योरिटी स्टाफ है, रवि गुरचरण, विक्रम पुल्लर, डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर ईमान, डॉक्टर बलविंदर फिजियो, अंकुश काला जी, ते सारे परिवार जिन्हें जिन्होंने बादल साहब की एक खिदमत की। मैं इस स्टेज के जरिए मैं उन्हां सजणा का मैं धन्यवाद करदा और उन्हां दा एहसान जिहड़ा है वो साढ़े दिल ते लिखिया गया है। मेरा दिल इस गल की गवाही देण नूं तैयार है कि बादल साहब ते दास जी अज पंजाब दी बारगाह दे विच परमात्मा दी बारगाह दे विच परमात्मा दी दरगाह दे विच जिहड़ी राम ते लक्ष्मण दी जोड़ी है वो जोड़ी अज कट्ठे बैठे होने हैं, तड़फांदियां ने तेरियां वो मिठियां बोलियां, अखियां नूं चैन आवे, तू आ जा सोहणिया, आ जा चमन दिया मालिया, बूटे उदास ने। और मैं अपने वड्डे वीर सुखबीर नूं इह कहांगा कि बादल साहब का जिहड़ा विरसा है ये थोड़े लई एक मुकद्दस इमानत है, एक अजीम जिम्मेवारी है, परमात्मा थोनू बल देवे अपने शफीक बाप दे नक्शे कदम ते तुसी चल सको। और गुरु महाराज की हाजरी च जिन्ने भी इलाके दियां संगतां, धार्मिक शख्सियतां, सियासी पार्टियां दे कायदीन आए है और संगतां आई हैं, मैं गुरु महाराज की हजूरी च अरदास करदा कि थोड़े आउण नाल जख्मां ते मलम लगी है, थोड़े आउण नाल खानदान का दुख जिहड़ा है वो वंडिया गया है। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा तुहानू सारिआं नू खुश रखे, परमात्मा थोड़िया औलादा नू खुश रखे, परमात्मा थोड़िया भैणा नू खुश रखे, थोड़े भरावां नू खुश रखे, रब थोड़े माँ प्यो नू खुश रखे, परमात्मा हिंदुस्तान की हिफाजत करे, तो परमात्मा थोनू ते मैनू इस धरती माँ की सेवा करन की बुद्धि देवे। श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठे हुए सरदार प्रकाश सिंह बादल दे प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने वास्ते आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों और इस कृषि प्रधान देश के उज्ज्वल भविष्य जी बच्चों, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतह। सरदार प्रताप सिंह, सरदार प्रकाश सिंह बादल दे सारे किते हुए कम्मां दा अगर मैं उल्लेख करांगा तो बड़ा समा लग जाएगा। मैं तो पहला बोलने वाले सारे साथियों ने उन्हां दे जीवन चरित्र तो तुहानू सारिआं नूं वागा कीता और प्रत्यक्ष च प्रमाण की लोड़ नहीं, तुसी सारे उन्हां दे हालात तो वाकफ हो। सारे विश्व के पद्धर ते एको एक व्यक्ति प्रकाश सिंह बादल से जिन्होंने देश के लोगों की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध करने का
यकीन दिलाया से। उन्होंने निरंतर संघर्ष किया, ना सिर्फ अंग्रेज की राज से बल्कि तुहानू सारियां नू ताज्जुब होगा कि देश दे आज़ाद होने के बाद भी सरदार प्रकाश सिंह बादल बहुत लंबे समय तक देश की जेलों से रहे। कोई भी ऐसी जेल नहीं थी जिस जेल से सरदार प्रकाश सिंह बादल नू ना रखा गया हो। मैं हर जेल से उन्होंने दर्शन करने वास्ते जाया करता सी। मैनू दर्शन करने का मौका तो नहीं मिलया, लेकिन उन्होंने विचार जोड़े सन वो मैं लेके आया और मैं हत्ता वाल सी कोशिश यही करता रहा कि उन्होंने नक्शा कदम से चल के देश के आम लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करांगे, ये वास्ते लड़ाई लड़ांगे। तुहानू सारियां नू पता है बादल साहब का तो साडा परिवारिक रिश्ता सी और राजनीतिक रिश्ता उस तो भी ज़्यादा वड्डा सी। असी हर संघर्ष से कट्ठे रहे और उन्हां दा मेरे प्रति बड़ा अगाध प्रेम प्यार ते स्नेह सी। मैं उन्हां तो बहुत कुछ सीखा, उन्हां दे नक्शे कदम ते चलण दा मैं एक मन बना लिया। साथियों, बादल साहब तो साडे विचकार नहीं, लेकिन उन्हां दी नीतियां पूरे विश्व दे पद्धर ते मनाई जाए, एदे आस्ते मैं तुहानू सारियां नू समुचे देश दे लोकां नू ये विश्वास दिलाउंदा कि असीं उन्हां दे नक्शे कदम ते चलदिआं होइआं इस कृषि प्रधान देश दे कृषक दी मूलभूत जरूरियात पूरी करांगे। संघर्ष करना साडा एक ध्येय है, असीं संघर्ष दे नाल जुड़े हाँ, संघर्ष करके ही सब कुछ हासिल किया और संघर्ष के बलबूते ते ही असीं हासिल करांगे। मैं तुहानूं इह विश्वास दिलाउंदा कि मैं बादल साहब दी नीतियां ते अमल करदे हाँ देश दे नहीं समुचे विश्व दे पद्धर ते लोकां दी सेवा करन दा मन बनाऊंगा। मैं तुहानू लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहांगा, तुसी सारे सारे हालात चों वाकफ हो, लेकिन एक गल दा जरूर विश्वास दिलावांगा कि तुहाडे हर दुख तकलीफ और मुसीबत च ओम प्रकाश चौटाला तुहाडे नाल अगली कतार च खड़ा मिलेगा। मैं तुहाडी ज़्यादा तो ज़्यादा सेवा कर सकां ये मेरा फर्ज बनता है और सरदार प्रकाश सिंह बादल के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मूलभूत कारण जड़ा है वो ये है कि हम उन्होंने नीतियां पर अमल करिए। मैं तुहानू विश्वास दिलावांगा तुहानू कदे भी किसी किस्म की भी कोई दिक्कत आए कोई कठिनाई आए मैनू कन्नों फड़ के तुसी कह सकते हो मैं तुहाडी हर मुश्किलात दूर करने की भरपूर कोशिश करांगा। तुसी ये ना समझिया जे कि पंजाब दा रहनुमा चला गया पंजाबियों दे नाल ठीक बर्ताव नहीं होएगा। हरियाणा भी पंजाब दा ही हिस्सा है, असी पाकिस्तानी पंजाब दे विच भी जाति पाति धर्म और मजहब दी दीवारां तोड़ के कट्ठे रह के अपनी सारी दिक्कत और कठिनाइयां दे लई लड़ाई लड़िया करदे सी। साढ़े च कदे कोई मतभेद नहीं आया, अगे भविष्य च भी नहीं आएगा। मैं तुहानू सिर्फ यही विश्वास दिलाना आया कि तुसी हौसला रखो। बस इक्को ही गल तुहानू कहना चाहांगा, तुसी बादल साहब दे नक्शे कदम ते चलो, आपसी प्रेम प्यार ते भाईचारे नू कायम रखो। आपां सारे मिल के पंजाब और हरियाणा नहीं समुचे देश दे पद्धर ते किसानां दी हकूमत करन च कामयाब होवांगे। यही बात कहने वास्ते मैं तुहानू आया हाँ। अज साहब बादल साहब तो साडे विचकार नहीं, लेकिन उन्होंने पद चिन्ह से चलन वाले सारे साथियों मैं पुनः एक विश्वास दिलावांगा मैं तुहाडे नाल हाँ, तुहाडे नाल रहांगा, तुहाडे नाल मरना जीना मेरा ध्येय है। श्री गुरु
ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी, संत समाज का आशीर्वाद, सरदार प्रकाश सिंह बादल साबका मुख्यमंत्री पंजाब जी नूं शरदा दे फुल भेंट करन आए, केंद्र और सूबियां दे मुअज्जज सत्कारयोग सीनियर आगू साहिबान, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, मानयोग स्पीकर साहब, बसपा श्रोमणी अकाली दल गठजोड़ दे डॉक्टर सुखविंदर सुखी जी, सारे साथी तत्ती तवी ते बैठे पंजवें पिता सतगुरु अर्जन देव जी नूं याद करके फतेह बुलंद करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का चले जाना पंजाब और पंजाबीयत लई पूरे देश लई बहुत बड़ा घाटा। जदों भी पंजाब दे हक्कां अधिकारां दी गल चली तां मोरली कतार च खड़े नजर आए सरदार प्रकाश सिंह बादल। पंजाबी बोलदे इलाकियां दी गल केंद्र दे अगे रखी जिहड़ी अज तक भी पूरी नहीं होई तां उस गल दा अलंबरदार सी सरदार प्रकाश सिंह बादल। पंजाब दे पाणियां दा हक कीमत दे रूप विच पंजाब नूं मिले, रिपेरियन सूबा होण दे करके पंजाब नूं बणदे हक मिल जिहड़े केंद्र सरकार अज तक भी दे ना सकी, तां गल करन वाला पंजाब दा मोरी कतार विच खड़ा आगू सी सरदार प्रकाश सिंह बादल। पंजाब आजादी दे 75 सालां च ते अपनी होंद दे 63 सालां विच अपनी राजधानी तो महरूम है। केंद्र सरकार अगे जे कोई गल रखी और अज तक भी पूरी ना होई वो गल करन वाला सी सरदार प्रकाश सिंह बादल। पंजाब ते कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक सेंटर स्टेट रिलेशनशिप दे विच स्टेट लिस्ट दे तहत सूबा सूची दे तहत सूबियां नूं वध अधिकार मिलन जिहड़े अज भी केंद्र सरकार नहीं पूरी तरह दिंदी तां गल करन वाला सी सरदार प्रकाश सिंह बादल। जिथे अज पूरी पंजाबीयत नूं पंजाब नूं कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक सूबियां नूं जे घाटा पिया उस घाटे दा नौं आ सरदार प्रकाश सिंह बादल। जे आपां पंथक सफां दी गल करिए पंथ दी सरमौर सत्ता ग्लोब दे संसार दे ग्लोब दे धरती दे चौंकूटां विच फैलाउणे वाला तां सरदार प्रकाश सिंह बादल। पंथक जमातां जे कोई चेहरा बन के पिछली सदी और इस 21वीं सदी च उभरिया दो सदियां दा पंथक आगू सिख सरदार तां उहदा नौं सी सरदार प्रकाश सिंह बादल। सरदार प्रकाश सिंह बादल एड्डी वड्डी शख्सियत सी दो सदियां दा घाटा दो सदियां दा युग पुरश पंजाब दी धरती ते पंजाब सूबे ते पंथ दी गल करन वाला सरदार प्रकाश सिंह बादल जिन्हां नूं अज असी बहुजन समाज पार्टी दे राष्ट्रीय प्रधान भैण कुमारी मायावती जी वालों बहुजन समाज पार्टी दे एक एक वर्कर वालों शरदा दे फुल भेंट करदे होए इस गल दा अहद ला के कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जी थानू सच्ची शरदा दे फुल
बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर एक एक लीडर थोड़ी अगवाई दे विच जेड़ा तुसी आखरी फैसला राजनीतिक कीता सी उस फैसले नू जेतू फैसला बनाउण लई बहुजन समाज पार्टी एक कदम अगे होके एक कदम थोड़े फैसले नू जेतू बनाउण दे लई काम करेगी। धन्नवाद। जय भीम, जय भारत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।